सांप है, इनसे थोड़ा बच के चलना आगे की तरफ। ज्यादातर तो टूट चुका है लेकिन इसकी कुछ विशाल दीवारें यहाँ पर बची हुई हैं। इसको देख के समझ में आ नहीं रहा कि क्यों बनाया गया होगा। आराम से आना भाई, बताते हैं। ये बिल्कुल घड़े की शेप का है और यहाँ पर घड़ा निकला था जिसके अंदर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में हरियाणा के यमुनानगर में लेकर आ गया हूं और यहां पर हम लोग आ पहुंचे हैं एक कस्बे में जिसका नाम है कलसिया। और कलसिया के अंदर हम लोगों को मिला है एक बहुत बड़ा किला जिसका नाम है छछरौली का किला, या उसको हम कलसिया का किला भी कहते हैं। दोस्तों इसका क्या इतिहास है वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, विदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। और दोस्तों अब हम करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। सबसे पहले जब हम अपनी नज़रों को इसके विशाल गेट की तरफ लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस पर ये 20 से 25 फीट ऊंचा गेट है ये, और कितना चौड़ा बना हुआ है। बाहर का जो इसका डिज़ाइन है वो राजपूताना शैली को दिखा रहा है और इसकी जो विशालता है वो इसके साइड से आप पता लगा सकते हैं। राइट और लेफ्ट में छोटे छोटे ताज भी बने हुए हैं और इसकी दीवारों पर बने हैं यहाँ पे बहुत सुंदर ईंटों के डिज़ाइन। ज़्यादातर किलों की तरह इस किले के अंदर भी पतली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है जिसको लाखोरी ईंटें कहा जाता है। बाकी बातें मैं आपको इसके और नज़दीक लेके जाता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। आप लोगों को यहाँ पर ये खिड़की दिखाई दे रही होगी। ये खिड़की उस समय सुरक्षा के पर्पज से बनाई जाती थी। यहाँ पर एक सैनिक तैनात होते थे ताकि अंदर आने वाले व्यक्ति पर निगरानी की जा सके कि अंदर कौन आ रहा है। और इस किले के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल गेट वाली दीवारें दिखाई देंगी और काफ़ी हिस्सों में इसके टूट फूट भी है और एंड तक आप इसकी दीवार का हिस्सा देख सकते हैं जो आज देखने को मिलता है। इधर वाला जो हिस्सा है वो इस स्कूल की वजह से दब चुका है, ढक चुका है, वरना उधर का हिस्सा भी हम आपको दिखा पाते। थोड़ा और अंदर की तरफ आते हैं, ये कील लगी हुई है जो इसको और मजबूती और सुरक्षा दिया करते थे। ऊपर का इसका साइज देख सकते हैं, ऊपर आप लोगों को इसमें एक शैतीर दिखाई दे रहा होगा जिसको सपोर्ट करता था। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो खिड़की दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर एक गार्ड रहता था जो राजा का, सरदार का स्वागत करते समय उनके ऊपर फूल फेंका करता था। और इसका ये वाला जो हिस्सा देखिए कितना चौड़ा है। इसको पहले जब गेट को बंद किया करते होंगे, दो गेट थे, एक गेट यहाँ वाला नहीं है इसके अंदर। और अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं ताकि इसकी और चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकें। आइए मेरे साथ। आप देखिए ये किसी समय कमरा रहा होगा पूरा और ये टूट चुका है आज। कुछ इसके अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, चौड़ी चौड़ी दीवारें भी दिखाई दे रही हैं। सेम इसी तरीके से यदि हम अपनी नज़रों को यहाँ लेकर जाएंगे तो इस वाले हिस्से में भी हम लोगों को काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देंगी और इस किले का आज ज़्यादातर खंडित हुआ भाग भी दिखाई देगा। और जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि किसी समय का एक बहुत भव्य किला था ये, लेकिन आज आप देख सकते हैं झाड़ियों के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। आप लोगों को जस्ट झाड़ियों के पीछे वाले हिस्से में कुछ इमारत का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर किसी समय बहुत विशालता के साथ बना था लेकिन आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हम उसे प्रॉपर देख पाएंगे या हमें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत गंदगी है और साफ सफाई यहाँ तो देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। देखिए इधर आप लोगों को किले की कुछ दीवारें दिखाई देंगी, जितनी भी बची हुई दीवारें हैं ये। और इधर ये वाला देखिए कितना शानदार है, सफ़ेद से रंग का दिखाई देता है आज हमें। ऊपर की दीवारें इसकी काली पड़ चुकी हैं, जो सफ़ेद रंग का है ये तो बाद में इसके ऊपर लिपाई पुताई की गई है। अभी हम इसको अंदर से देखने के लिए और आगे की तरफ जा रहे हैं और इस जंगल वाले हिस्से में हम लोगों को जो ये जानवर बिच्छू होते हैं, जो ये बंदर हैं, सांप है, इनसे थोड़ा बच के चलना है आगे की तरफ। यहाँ पे भी हमें चारों तरफ देखो टूट फूट दिखाई दे रही है और इस किले की देखो सामने की तरफ दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, उनमें भी कुछ आले मोर्चे बने हुए हैं।
और यहाँ से तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, इस तरफ तो मुझे बिल्कुल भी सेफ रास्ता दिखाई दे नहीं रहा अंदर जाने का। अब देखते हैं कि अंदर जाएंगे कैसे, इनको थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। आइए मेरे साथ, आप आराम से आना भाई। देखिए हम लोग इस विशाल किले के एक दूसरे हिस्से में आ गए हैं जहां पर बेहतरीन चित्रकारिता की गई है, और इन चित्रकारिता को आप लोग देखिए कितने महीन तरीके से इसमें रंग भरे गए थे। वो प्राकृतिक रंग आज भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बारीक रंगों का जो डिज़ाइन है वो ये दिया गया है। ईंटों के बीच में मिट्टी भरी गई है ताकि मजबूती दी जा सके। और थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। अंदर जाने के बाद में हम लोगों को एक ये कमरा ही मालूम पड़ता है। यहाँ पर इसकी कुछ दीवार टूटी हुई है। ये लेफ्ट में देखिए आप, एक कमरा सा है। ऊपर इसका पॉइंट देखिए, शायद उस समय की बैठक रही होगी जैसा मालूम पड़ता है। पहले के जो लोग थे आके यहीं बैठते होंगे पहले, फिर मुख्य महल में प्रवेश करते होंगे। और अंदर चल रहे हैं। देखो तो सबसे बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और ये एक गैलरी सी मालूम पड़ती है, क्योंकि देखो पीछे की तरफ भी बिल्कुल लंबाई की गैलरी बनी हुई है, और ऊपर की तरफ देखने पे वही कमरे की टूटी हुई छतें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं जाके। अब हम इसके कुछ इतिहास की बातों को भी समझ लेते हैं। 1760 के समय में कलसिया रियासत को गुरु बख्श सरदार के द्वारा बसाया गया था, जो एक सिंधु जाट थे, और उनका जो कार्यकाल था वो 1763 में शुरू हुआ था और 1785 तक चला था। फिर उन्हीं के बेटे जिनका नाम था सरदार जोध सिंह, जो 1785 के समय में जिनके हाथ में कलसिया रियासत दे दी गई थी, और अब वो अपनी इस रियासत को अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। दोस्तों ये वाला जो किला है, ये किले का निर्माण इसी रियासत के बनने के बाद हुआ था, जो आज हमारे सामने देखने पर ज़्यादातर तो टूट चुका है, लेकिन इसकी कुछ विशाल दीवारें यहाँ पर बची हुई हैं, कुछ कक्ष बचे हैं जिनके ऊपर की छत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे तो आपको ये किला बेहतरीन दिखाई देने वाला है। यदि हम बात करते हैं इसके और इतिहास की, तो ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के समय में जब अंग्रेजों के साथ में इन रियासतों का विद्रोह हो रहा था, तो कलसिया रियासत जिनकी बागडोर सरदार जोध सिंह के पास थी, और इसके पास दूसरी रियासत है बुढ़िया जिसकी बागडोर सरदार शेर सिंह के पास थी, और वर्तमान के कुरुक्षेत्र में एक स्थान पड़ता है लाडवा जिनके सरदार का नाम था अजीत सिंह। इन सभी रियासतों का अंग्रेजों के साथ में समय समय पे लड़ाइयाँ विद्रोह चलता रहता था, क्योंकि अंग्रेज इनको अपनी हुकूमत के अंदर लेना चाहते थे और ये हमेशा मना करते रहते थे। तो अब बात हम कर लेते हैं 1818 के समय की। मुल्तान के मैदान में राजा रणजीत सिंह का एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे कलसिया रियासत के सरदार जोध सिंह जी, और उसी मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी तरीके से करते करते 1857 का विद्रोह भी हुआ हमारे भारत के अंदर, जिसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे भारत की रियासतों को अब प्रॉपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और इन रियासतों के शासकों को उस समय राजा की उपाधि नहीं दी जाती थी। 1908 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब कलसिया के सरदार को राजा की उपाधि दी गई, और उस समय कलसिया के सातवें सरदार जिनका नाम था रवि शेर सिंह, वो पहले यहाँ के राजा बने। और ये सातवें जो यहाँ के राजा थे वो 1908 में बने थे और 1947 हमारे भारत के आज़ाद होने तक रहे थे। अभी देखिए मैं इस जंगल से बाहर निकल रहा हूँ ताकि मैं दूसरे से पहुँच जाऊँ,
और आपको इतिहास के साथ में यहाँ की चीज़ें भी दिखा सकूँ।